तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सोच नहीं बदली है। 70 साल पहले पिछड़ी जातियों के खिलाफ आयोग को लेकर कांग्रेस ने बात आगे नहीं बढ़ने दी, यहां तक कि डॉक्टर आंबेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा। आज 70 साल भी कांग्रेस संसद में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के काम को रोकने का काम कर रही है। आपको पता होगा हमारी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हम लाए, पास नहीं होने दे रहे, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इस आयोग को भी एसटी आयोग की तरह शक्तियां हासिल हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस उसमें भी अड़ंगा डाल रही है। साथियों, आप सभी से मैंने बाबा साहब के इस्तीफे के प्रकरण पर इतना विस्तार से इसलिए बताया है क्योंकि कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि उसने तो बाबा साहब को देश का कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री बनाने के बाद बाबा साहब के साथ जो बर्ताव कांग्रेस ने किया वो हर भारतीय को जानना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इकोसिस्टम ऐसा बनाया कि देश का इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। और आप देखिए, दिल्ली में आजादी के बाद किसी महापुरुषों को याद करने के लिए कुछ जाना है, एक परिवार के सिवाय कोई स्मारक ही नहीं। ये हमारे आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना और आज बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बना, वरना परिवार के सिवाय किसी को जगह ही नहीं। क्या इन लोगों ने देश के लिए जीवन नहीं खपाया? क्या इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया? बाबा साहब आंबेडकर तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे, बाबा साहब आंबेडकर भारत का भविष्य निर्माता थे और ये हम सबका कर्ज है उनका, जिसने कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके। और ये बात सही है, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके उसे किताबों तक जगह नहीं दी गई है।